हाय दिया, नमस्ते, नमस्कार। हम हैं आपकी चटोरी भाभी, हाजिर हैं आज के हमारे नए प्रोमो के साथ में। भैया किसका एमएल के भी हम ना मिले। कहानी ऐसे हो गई है कि हमारी जो भैया रेवा है ना, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी राघव से। और ये चीज़ कह लेना भैया का है कि उस राघव ने वो पेपर जो लाई थी डिवोर्स वाला, वो तो भैया जला दिया। जो कि बाद में ना वो बात करने जाता है, पर है ना वो चीज़ें ना भैया वास लेके, मतलब वो जो पौधा का पेड़ कांच का होता है ना, उसको फेंक के मार दी थी। अब ऐसे में भैया राघव बच जाता है, जो कि बाद में ना वो कहती है कि चोट तो आपने हमें दिया है, हम आपको का देंगे, आपने हमारी ज़िंदगी के साथ ऐसा किया वैसा किया। वो तो का भैया दुखड़ा अपना रो ही रही है, वही के कारण है ना राघव के ऊपर, बल्कि इतना बोल जाती है रेवा कि हाथ तक उठाने को होता है। पर ऐसे में वो भैया अपने आप को कर देता है और कहता है कि हमसे आप अपनी जान मांग लो, हम दे देंगे, पर हमसे ये डिवोर्स का नाम ना ही लेना। अजय के बाद में ना भैया की अम्मा, मतलब जो राघव की अम्मा है ना, वो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वो भैया अपने पति से कहती है, मतलब कि राघव के पिता से, कि आप कुछ कीजिए नहीं तो हमारा राघव ऐसे दूर चला जाएगा। अजय के बाद में ना उनका भैया पति कहते हैं, मतलब राघव के पिताजी कहते हैं कि तुम उसको अपना लो ना, रेवा को काहे ऐसा कर रही हो। अब ऐसे में ना भैया देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब रेवा के ससुर जी है ना पिघल रहे हैं, या फिर अब एक तरीके से वो हार गए हैं कि उनको रेवा को तो अपनाना ही पड़ेगा। अब ऐसे में भैया वो तो कहते हैं कि हम वो विधवा को हम ना ही अपनाएंगे। जिसके बाद है ना वो जाती है रेवा के पास, भीख मांगती कि हमारे रेगा राघव को हमारा दे दो प्लीज़, ऐसा कर दो, ऐसा वैसा कर दो। जिसके बाद में ना वो कुंदन बाबू से मिलते हैं और कुंदन बाबू को कहती है कि हमारी मदद कीजिए हमें यहाँ से बाहर निकालने में। अजय के बाद में है ना भैया कुंदन बाबू है ना एक तरीके से वो इस चीज़ का प्लान बना लिए हैं कि रेवा को तो बाहर निकालेंगे, रेवा को भी भैया मतलब मार कर उसको साइड करेंगे साइड लाइन, और उसके बाद में ना राघव के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। अभी तो भैया रेवा जा रही है भरोसा करके कुंदन बाबू पे और उनके आदमियों के साथ में। अजय के बाद में कहानी इधर ऐसे आएगी ना कि भैया वो जो जिसके साथ वो गई है ना, जिसके आदमी के साथ में भैया, वो तो भैया मतलब वो को बस मारना था गोली से, पर वो के पहले है ना उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब ये चीज़ भैया आगे का आने वाला सीन ऐसा होगा कि राघव है ना उसको बचाएगा जबरदस्ती करने से, और ये चीज़ का उनका जो आदमी है ना कुंदन बाबू का, वो गोली चला देता है जो कि रेवा को लगने वाला था, पर राघव अपने ऊपर ले लेता है और भैया गोली लग गई है राघव को। जिसके बाद में है ना रेवा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो तो भैया एक तरीके से बहुत ही बड़ा टेंशन हो गया, कहे कि भैया वो तो जा रही थी जैसे तैसे निकल रही थी, पर ई कांड कर दिया है। अब राघव को तो गोली लग गई है, कहे कि रेवा को बचाने के चक्कर में, बाकी कैसा होगा ई आप पूरे एपिसोड में देखेंगे। हम तो लेंगे यहीं पर पॉज, तब तक के लिए आएंगे नए प्रोमो के साथ में। ऐसे हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो सबको, मम्मी पापा चाचा सबको। तब तक के लिए राम राम।